हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट आलू की टिक्की, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा होता है। इसका टेस्ट बिल्कुल आलू वाला होता है। मैंने इसको जो है ना क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सामान का यूज़ किया है। तो कितने लोग होते हैं बहुत सारे सामान का यूज़ करते हैं, जैसे मैदा, ब्रेड क्रम्ब, बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर मैंने एक ही सामान का यूज़ किया है जिससे आलू की टिक्की बिल्कुल टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 बड़े साइज का आलू, जिसको मैंने उबाल के बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया। तो आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आलू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए जिस समय हम इसमें मसाला वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है, हरी मिर्च ले लिया है थोड़ा सा, वो मैंने काट के डाल दिया। आपको जितना तीखा पसंद है आप अपने तीखा के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसको डाल दिया है। यहाँ पर मैंने डाला है काला नमक और फिर इसके बाद सादा नमक डाला है। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, तो मेरे पास ना कुटी हुई इलायची में थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा सा डाला है। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला, आमचूर पाउडर डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। और यहाँ पर मैंने क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। तो फ्रेंड्स, चावल का आटा पहले तो मैं इसको इतना मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बाद में डालूंगी। क्योंकि एक बात आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो है चावल का आटा ज़्यादा डाल देंगे ना यहाँ पर, तो फिर क्या होगा कि जो आपका जो टिक्की का जो टेस्ट है ना, बिल्कुल चावल लगेगा, बिल्कुल चावल का ही टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने टिक्की आलू की नहीं, अपने चावल की बनाई है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में चावल का आटा नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है इसको मिलाते हुए इस तरीके का हम डो तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा होगा मैंने चावल के आटे का कितना यूज़ किया है। चावल का आटा हमें कमी क्वांटिटी में यूज़ करना है क्योंकि हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए और टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसमें मैंने हाथों में अच्छे से तेल लगा लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें एक जैसी लोई की तरह हम इसे तोड़ेंगे। तो जितना बड़ा आपको लेना है ना, आप उसके हिसाब से आप ले लें, बड़ा या छोटा आपको जो पसंद है आप उस तरीके का ले लें। फिर इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए ना हम इसको एक टिक्की का शेप देंगे। और गाइस, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मिक्सी में जो चावल आप खाते हैं ना, तो मिक्सर में आप उसको जो है डालकर आप उसे जो है पीस सकते हैं। तो उसको जो है मिक्सर में डाल के आप उसका पाउडर बना के और चलनी से बिल्कुल अच्छी तरीके से चाल लीजिएगा, तो उससे जो है आपका जो है चावल का आटा बनकर रेडी हो जाएगा, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसी तरीके से हम जो है टिक्की को बना लेंगे। और गाइस, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। या तो मैंने डाल दिया है क्योंकि टेस्ट इससे जो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी टिक्की को मैंने बना लिया है और अब चलते हैं हम इसको फ्राई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए तेल को मैंने ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और फिर उसके बाद हम एक एक करके टिक्की इसमें डालेंगे। तो जितना टिक्की पहले आएगा हम उतना डाल देंगे, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और गाइस, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे डालिएगा, तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो इसे हम जो है उलटते पुलटते हमें जो इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, ये ना बिल्कुल अंदर अंदर बिल्कुल अच्छे से ये पक जाएगा। तो गाइस, इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका एक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है। तो गाइस, आपने इसे इसी तरीके से आप बार बार इसे पलटते जाइएगा, इससे क्या होगा कि जो हमारा जो टिक्की है ना अंदर अंदर से पकेगा और बहुत ही ये क्रिस्पी बनेगा। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। और गाइस, गैस का फ्लेम आप हाई रखिएगा, लो वगैरह या मीडियम मत करिएगा। इस तरीके से अगर आप लो मीडियम अगर करिएगा या फिर ज़्यादा लो कर दीजिएगा, अगर तेल अच्छा से गर्म नहीं होगा तो फिर आपकी टिक्की यहाँ पर बिखर भी सकती है, फट भी सकती है। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और गाइस, आलू की टिक्की बिल्कुल बरकरार बनाने के लिए, बिल्कुल टेस्टी बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताया है ना, चावल का आटा ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चावल का टिक्की लगेगा, आलू का टिक्की नहीं लगेगा। तो गाइस, जितना मैंने डाला था ना वो बहुत ही ठीक था। तो यहाँ पर मैंने जो है सभी को मैंने कर लिया है फ्राई, तो हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इसकी मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, सबसे पहले ना आप इसकी आवाज़ सुनिए, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी बना है ना ये हमारा आलू का टिक्की। और गाइस, इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला है, बिल्कुल आलू आलू वाली टिक्की है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आप बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छी लगी कि नहीं लगी। और गाइस, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो जाइएगा मत, और बेल आइकन प्रेस तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब सब्सक्राइब कर ही दे रहे हैं तो फिर बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाती रहती
करती हूँ। और गाइज मेरे चैनल पर तरह तरह के नाश्ते की वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो आप जा कर के देख सकते हैं। और गाइज अगर मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, अगर उस रेसिपी में मेरा कुछ मुझसे कई गलती होती है, नुकसान होता है, तो मैं वो सब मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स इसी बात पर कीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।